Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शबान खालिद गोरिया और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल मोम का दिया के एपिसोड नंबर 23 और 24 के बारे में और जानेंगे कि आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, शुक्रिया। फ्रेंड्स, जैसे कि एपिसोड नंबर 23 और 24 में आपने देखा कि जब सलमा अप्पा को पता चलता है कि असद ने अपने हाथ जला लिए हैं तो वो फ़ौरन घर पहुँचती हैं और अफजल पर गुस्सा होती हैं, जिस पर अफजल इन्हें कहता है कि माँ और बाप में से कभी कोई एक मर भी तो जाता है, वो बच्चे भी तो पल ही जाते हैं। जिस पर सलमा अप्पा जवाब में अफजल को कहती हैं कि हाँ बिल्कुल पल जाते हैं, जिस तरह आप पाल रहे हैं हाथ जलाकर। अरे अगर कोई एक मर जाए तो दूसरी शादी भी तो हो जाती है। उल्फत के तलाक लेने के बाद सलमा अप्पा अफजल को मुसलसल दूसरी शादी के लिए राज़ी कर रही हैं। वो अफजल से कहती हैं कि आप दूसरी शादी ज़रूर करें, लेकिन इस बार आप अपनी आँखें ज़रूर खोल कर रखिएगा, इतनी ढील मत दीजिएगा जितनी आपने इस औरत को दी थी। जिस पर अकमल चीख कर कहता है कि नाम मत लीजिए इस औरत का मेरे सामने। दूसरी तरफ अस्पताल से आने के बाद उल्फत को मुसलसल ये बात खाई जा रही है कि अफजल ने इसको इसके बेटे से मिलने नहीं दिया और उल्टा डॉक्टर से कह दिया कि इसकी माँ मर चुकी है। उल्फत कहती है कि मुझसे छीन कर कैसे सुकून की ज़िंदगी जी रहा है, मैं भी इसका सुकून छीन लूँगी। डॉक्टर से कह रहा था कि बच्चे की माँ मर गई है, मैं भी बच्चों पर साबित कर दूँगी कि इनका बाप मर चुका है। जिस पर पास बैठी फरहत इसे कहती है कि बड़ी आई तुम माँ बनने की दावेदार। अफजल से तलाक लेने के बाद अब उल्फत जल्दी से जल्दी अपनी दूसरी शादी करना चाहती है, इसलिए वो कहती है कि देखो मुझे शादी करने की जल्दी ज़रूर है, लेकिन ये नहीं है कि मैं किसी से भी शादी कर लूँगी, लड़का बूढ़ा ना हो, कम शक्ल भी ना हो और अच्छा खासा कमाता हो, बस तुम मुझे जहन में रखना, ऐसा लड़का हो जो मेरे साथ अच्छा लगे। इसके बाद आपने देखा कि अफजल का भी निकाह करवा दिया जाता है। मौलवी अफजल से पूछता है कि आपको फातिमा बिनत अकबर की निगाह में दिया जाता है, क्या आपको निगाह कबूल है। इस तरह अफजल का भी दूसरा निगाह कर दिया जाता है। इसके बाद उल्फत को लड़के की फ़ोटो दिखाई जाती है, जिसे देखकर उल्फत बहुत खुश होती है और कहती है कि मुझे ये रिश्ता कबूल है। उल्फत घर आकर अपनी अम्मी को अपने रिश्ते के बारे में बताती है, जिस पर इसकी अम्मी कहती है कि ये लड़का तुम्हारे साथ शादी करने के लिए कभी राजी नहीं होगा, जिसके जवाब में उल्फत इन्हें कहती हैं कि आप एक बार बात करके तो देखें। उल्फत और उसकी माँ के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है और उल्फत की माँ इसे घर से निकाल देती हैं, जिस पर उल्फत इन्हें जाते जाते धमकी देकर जाती है कि मौलवी की लड़की हूँ, सब जानती हूँ मैं, आप मुझे क्या निकालेंगी, मैं खुद जा रही हूँ और एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको निकाह करके दिखाऊँगी। फ्रेंड्स, ये था थोड़ा सा एपिसोड नंबर 23 और 24 का रिव्यू। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि उल्फत इस लड़के के साथ शादी कर लेगी और दो चार दिन बहुत ज़्यादा अय्याशियाँ करेगी और बहुत घूमे फिरेगी। वो यही समझती है कि ये लड़का भी अफजल की तरह इसकी हर बात मानेगा और हर वक्त इसको खुश कर। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।